दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हमारे पास ये एक पीवीसी बोर्ड है, ये पूरा फिटिंग है और इसकी वायरिंग आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वायरिंग बड़ी सिंपल सी है और बहुत सीधे तरीके से वायरिंग दिखाता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सके। इसमें आइटम 3 स्विच है, इंडिकेटर है, एक होल्डर है और इसमें 2 5 पिन और 1 2 पिन है। तो इसके अनुसार ही मैं आपको वायरिंग दिखाऊंगा, वो भी सिंपल तरीके से। तो ये हमने बोर्ड कंप्लीट दिखाया आपको और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है वो भी बताया आपको। हमें सबसे पहले 3 स्विच को कॉमन करना होता है, 1 2 3। इस साइड से हमें करना है। ये देख लीजिए, इसके बाद हमें इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर पर एक वायर कनेक्ट करना है और दूसरा सिरा ले लेना है। ये हमारा वायर कनेक्शन वायर हो गया। इसके बाद हमें ये तीनों कनेक्ट करना है। ये हमारा ग्राउंड वायर है, ग्राउंड वायर हमारे 4 पॉइंट में जाएगा, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट में जाएगा, यानी एक इस ये इंडिकेटर है इसमें भी जाएगा, एक ये होल्डर है। अब हम एक बार पहले
एक हमारा जो न्यूट्रल का वायर निकलेगा मेन कनेक्शन के लिए, ये ओल्डर से निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने सिंपल वायरिंग दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने इतनी कुछ वायरिंग कर ली, मैं समझता हूँ कि सरल तरीके से दिखाया गया है आपको, तो आपके समझ में आया होगा। पहले हमने इस पे कनेक्ट किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, और फिर इस पे किया। तो पहले स्विच, मैंने स्विच कॉमन किए हैं। इसके बाद हमें एक यहाँ से यहाँ लेना होता है, ये स्विच हमारे इस बल्ब का हो गया, ये डायरेक्ट चलती है। इसके बाद हमें यहाँ दो स्विच बच गए और ये तीन बच गए हमारे सेरा कौन। इस तीनों में हमें दो को कॉमन करना होता है, जैसे एक स्विच है ये दो स्टार्ट होगी। इसके बाद ये स्विच के ऊपर वाला, एक स्विच और एक प्लग हमें कनेक्ट करना है लास्ट, ये हमारा लास्ट स्टेप है। बाद हमारी टेस्टिंग की बारी आती है, ओके।